के छोटे पंडरपुर के नाम से विख्यात धर्मनगरी धापीवाड़ा में दो दिनों से चले आ रहे रथ यात्रा महोत्सव का शुक्रवार के दिन समापन हुआ। रथ यात्रा का शुभारंभ गुरुवार के दिन हुआ। शाम 4 बजे भगवान विट्ठल रुक्माई के रथ को साज सज्जा के निकाला गया। रथ महोत्सव में सैकड़ों लोग शामिल होकर रथ को खींचकर कुंजी वन में ले गए। वहां रात भर भगवान विट्ठल रुक्माई ने विश्राम किया। 117 साल पुरानी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं युवा पीढ़ी। धापेवाड़ा संत कोलबा स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में विजयादशमी के बाद आने वाली एकादशी के रोज सुबह काकड़ा आरती होती है। हर रोज सुबह 5 बजे भक्तों की टोली भगवान का ध्वज लेकर गांव भ्रमण करने के बाद मंदिर में आरती करते हैं। शाम के समय दीड़िया की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में एकादशी के दिन हरि पाठ कीर्तन के बाद भगवान की मूर्तियों का गांव भ्रमण होता है। त्रयोदशी के दिन मारुति का वाहन गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान का नगर भ्रमण होता है। पूर्णिमा के दिन काकड़ा आरती के बाद कार्तिक मास का समापन होता है। शाम को चंद्रभागा नदी के समीप कुंजी वन में गोपाल काला होने के बाद भगवान की मूर्तियों का वापस मंदिर में आगमन होता है। शुक्रवार के दिन रथ को पूरे धर्मनगरी में घुमाया गया। रथ यात्रा में शामिल होने धर्मनगरी में 2 दिन पहले से वारकरी लोगों का आना शुरू हो गया। सभी भक्तों ने भक्तिभाव से अपना डेरा धापीवाड़ा के चंद्रभागा नदी के तट पर बना लिया। सुबह उठकर नदी में स्नान कर भगवान माउली के मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। बाद में रथ यात्रा में शामिल होकर रथ खींचने में लग जाते हैं। वारकरी भक्त जय हरि विट्ठल का उद्घोष करते हुए रथ के सामने मृदंग ढोलक बजाते हुए चलते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान विट्ठू माउली के भक्त साफ्ता महाराज देवस्थान कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा मकरंदपुरी महाराज मठ वनारामाय रघुसंत मठ की दीड़िया भी शामिल हुई। पूरे धर्मनगरी को सज्जा कर भगवामय बना दिया। रथ की शुरुआत खोलकुटी परिवार ने 117 साल पहले की थी। कई सालों तक उस परिवार ने रथ निकालते रहे। कुछ वर्षों बाद खोलकुटे परिवार की ओर से कुछ कारणवश रथ यात्रा निकलने में असमर्थ रहे। उसके बाद 1906 में भागीरथ भाई जामदार ने रथ का नया निर्माण कर यात्रा को शुरू किया। समय के साथ रथ यात्रा चलती रही। 1998 के बाद रुद्र प्रताप पवार ने यह रथ को नए रूप से सज्जा कर यात्रा की परंपरा को निभाने का जिम्मा उठाया। आज भी रथ यात्रा की देखरेख पवार परिवार कर रहा है। आज रथ यात्रा में शामिल होने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा से भी भक्तगण आने की जानकारी आदित्य पवार ने दी।